आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट सबसे अच्छा जो होता है स्क्रीन रिकॉर्डर कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का बिना वाटर मार्क का और अच्छे से अच्छे ऑप्शन के मतलब अच्छे से अच्छे सुविधा वाला जो कि बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है आपको सॉफ्टवेयर जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग वीडियो रिकॉर्ड जिस तरह बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब का एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैंने आपको यूट्यूब के रिलेटेड सारी चीज़ बताऊँगा। यहाँ मैंने आपको बताया था यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यहाँ पार्ट वन है और इसमें मैंने आपको बहुत चीज़ जानकारी दी था। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूट्यूब की बेसिक जानकारी को बताया था बेसिक सेटिंग के बारे में पार्ट टू में, यूट्यूब चैनल को सर्च इंजन में कैसे लाए, अगर चैनल डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करें। यहाँ पे यूट्यूब की सारे सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कौन सेटिंग से क्या होता है, कौन सेटिंग इनेबल करें, कौन ऑफ करें, वो आपको मैंने बताया था पार्ट वन में चैनल बनाना। पार्ट टू में उसके सेटिंग के बारे में जानकारी दिया था और पार्ट थर्ड ये जिसमें आप जानेंगे अपनी सिस्टम को स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे करें एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए उसके लिए आपको जाना होगा FileHippo.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे FileHippo की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने सॉफ्टवेयर का नाम सर्च कर रखा है ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर PC विंडो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर PC। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, जैसे आप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए योर प्रोग्राम डाउनलोडिंग, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिएगा आप का जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यानी तो आप डायरेक्ट ब्राउजर में टाइप करेंगे। यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा, या आप डायरेक्ट अगर करना चाहे तो आप FileHippo.com की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ सर्च आइकन में सर्च करेंगे ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर तो आपको वो वाला लोगो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते भी होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आइकन है, ये वाला आइकन है सॉफ्टवेयर का, ये आइकन है सॉफ्टवेयर का ये। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह आइकन दिखेगा, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डर करके आपको बताएंगे क्या इसमें आपको मिलेगा। मैं अपने YouTube वीडियो के लिए जितने भी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ सभी मैं ए पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर से ही सॉफ्ट इंस्टॉल मतलब की रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसी एप्लीकेशन से मैं सभी वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसलिए मैं अभी आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ। आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का ये एक है कि मतलब कि एक बार में आप 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन इसमें वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना मन चेक कर सकते। चलिए इसे ओपन भी कर लेते हैं, मैं हर वीडियो इसी से बनाता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए आज मैं आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर से बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है आप स्क्रीन को कितना कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको आप इस तरह कैप्चर कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। मैं पूरा स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो पूरे स्क्रीन को इस तरह मैं सेलेक्ट कर ले। जब सेलेक्ट कर ले अब यहाँ पे कुछ सेटिंग है, बेसिक सेटिंग भी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, सेटिंग के आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग आइकन में यहाँ पे कुछ कीवर्ड मिलते हैं, जैसे कि अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं वीडियो को तो अलर्ट प्लस जेड यूज कर सकते हैं, रुकना चाहते हैं तो अलर्ट प्लस जेड और स्टॉप के लिए अलर्ट कंट्रोल कंट्रोल अलर्ट जेड, हाइड के लिए कंट्रोल अलर्ट ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए पहले से दिया गया है स्टॉप के लिए कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस जेड प्रेस करेंगे तो जो वीडियो में बनाऊंगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पॉज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस पॉज बटन चेंज करने के लिए, मतलब जैसे अभी यहाँ पे देखिए कंट्रोल अलर्ट प्लस जेड से ये वीडियो पॉज होता है, हम चाहते हैं कि शिफ्ट प्लस जेड से हो।
तो यहाँ पे कंट्रोल को हटा देंगे, टिक मार का अलर्ट को भी हटा देंगे। अब सीट शिफ्ट को सिलेक्ट के लिए, और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड से करना चाहे, जेड से या एफ वन एफ टू या नाउन या कोई भी चीज़, तो या यू भी डब्ल्यू जो भी जिस भी आपसे करना चाहे कर सकते। मान लीजिए शिफ्ट शिफ्ट जेड से यहाँ पे शिफ्ट जेड से हम वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, वीडियो पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। इसे तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, कौन बटन से आप रोकना चाहते हैं, कौन बटन से चालू करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हाइड करने के लिए, ये जो है ये अभी शो कर रहा है, इसको हाइड करने के लिए कौन सा बटन का यूज करेंगे, कंट्रोल अलर्ट ई अभी दिया गया है, तो यहाँ पे कंट्रोल अलर्ट ई में टिक लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल अलर्ट को हटा देंगे, सिर्फ कंट्रोल ई को सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगर ये भी हम कीवर्ड बदलना चाहते हैं, इसे बदल सकते हैं, कंट्रोल के साथ कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहते हैं, या कंट्रोल के साथ अलर्ट भी यूज करना चाहते अलर्ट भी यूज कर सकते, कंट्रोल अलर्ट के साथ और कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहते वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आप जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो कहाँ पे सेव होगा, उसका लिए यहाँ पे आपको एक चूज करना होगा उसका एरिया, कौन सा एरिया में ये वीडियो को सेव करेगा जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे सो काउंट डाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, कीप ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मतलब कि जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग होता है तो एक बार बीप बोलता है, ठीक है, तब ये मतलब बीप बोला उसे पता। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एनिमेट माउस बटन, यानी कि माउस बटन, माउस पे जहाँ भी क्लिक होगा मतलब जहाँ जहाँ जाएगा वो शो करेगा या नहीं शो करेगा, इसमें टिक मार का लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है एनिमेट माउस क्लिक, माउस जहाँ जहाँ क्लिक करेगा उसको वीडियो में पता चलेगा या नहीं कि आप वीडियो में कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो पता चलना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आप किस कलर में एनिमेशन कलर देना चाहते, किस कलर में आप शो करवाना चाहते हैं कि माउस यहाँ पे क्लिक हुआ, तो वहाँ पर यहाँ कलर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड करेंगे तो कौन सा कलर, यहाँ पे देखिए अगर माउस के लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो उसको लाल कलर में दिखाएगा कि लेफ्ट साइड कलेक्ट हुआ, सेलेक्ट मतलब क्लिक हुआ। अगर राइट करेंगे तो ये कलर में शो करेगा कि मतलब इस साइड क्लिक हुआ। उसी के साथ साथ यहाँ पे शो माउस हॉट स्पॉट, शो माउस हॉट स्पॉट मतलब कि मेरा माउस जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये गोल जाएगा, ताकि पता चलेगा मेरा माउस कहाँ कहाँ है, ताकि वीडियो में आप लोग को देखने में आसानी होगी वीडियो में माउस कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ये साइज़ को बढ़ा सकते हैं इस तरह, और छोटा भी कर सकते हैं, और इसकी भी कलर चाहे चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छा हो, उसका ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ऑडियो क्वालिटी में हाई और वीडियो सेटिंग में आप जो मैंने दिया हुआ है 8024 और 2H264 और मोड में वायलेंस, ये सब देने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे एक मतलब एरिया कितना आप करना चाहते हैं, मतलब कि एक स्क्रीन एक वेब कैमरा, अगर वेब कैमरा भी रिकॉर्ड करना चाहते वीडियो में वेब कैमरा के साथ तो ये भी आपको वेब कैमरा ओपन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ आपका कैमरा भी ओपन हो और कैमरा के साथ भी आप रिकॉर्ड करना चाहें तो आप कैमरा को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका वेब कैमरा भी ओपन हो जाएगा, आपका स्क्रीन भी ओपन हो जाएगा, मतलब कि वेब कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वॉइस को अपनी फ़ोटो को। इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर फिर से आना होगा, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं स्क्रीन पर क्लिक किया यानि कि स्क्रीन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और सेटिंग आपको मिलेगी, जैसे कि है ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो में आपको क्या करना है, ऑडियो आप किससे रिकॉर्ड करना है, ऑडियो सिस्टम साउंड से या माइक्रोफोन से या सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन या नाउ, तो मैं जो करता हूँ माइक्रोफोन, मतलब कि माइक्रोफोन सेलेक्ट है, मतलब कि बिना किसी भी तरह का एयरफोन लगाए ना कोई डिवाइस लगाए, डायरेक्ट लैपटॉप के साथ मतलब कनेक्ट करके मैं कोई चीज़ कनेक्ट नहीं करता, मतलब लैपटॉप में मैं बोलकर रिकॉर्ड करता हूँ बिना किसी एयरफोन का, बिना किसी माइक्रोफोन का, बिना किसी सिस्टम साउंड का। ठीक है, ये माइक्रोफोन सेलेक्ट कीजिएगा तो किसी भी बिना मशीन का आप अच्छे से अच्छे आवाज़ में क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन बिना किसी मशीन का। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे एरिया है, मतलब कि आप फुल स्क्रीन लेना चाहते हैं यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे तो ये अभी साफ फुल हो जाएगा, मतलब फुल करेंगे तो फुल रिकॉर्ड कर लेगा, फुल
कैप्चर करेगा। उसके बाद कस्टमाइज, मतलब कि यहाँ से आपको दिया जाता है कौन सी साइज में क्या क्वालिटी में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कस्टम रखा हुआ है, कस्टम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज क्या होगी वीडियो की, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके अभी इस स्क्रीन रिकॉर्डर करूँगा। तो यहाँ पे REC जो है ये रिकॉर्ड का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या माइक्रोफोन ऑन यानी ऑडियो रिकॉर्ड जब करेंगे तो ऑडियो का आवाज़ इसमें जाएगा। और यहाँ पे ये भी बता रहे वीडियो रोकने के लिए ये आप कीवर्ड प्रेस कर सकते हैं, और स्टॉप करने के लिए ये, हाइड करने के लिए ये, ठीक है। अगर सबसे समझ गए हैं तो आप ओके कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू 3 तक गिनती होगा, उसके बाद देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप वीडियो बना रहे हैं, आपकी वीडियो में इसका भी लोगो आ रहा है, ठीक है, जिससे पता चलेगा मतलब कि आदमी को आप वीडियो इस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करें। इसको भी आप छुपा सकते हैं। इसको छुपाने के लिए आपको हाइड का जो बटन दिया गया था, हाइड का, तो उसको प्रेस करें। जैसे मैंने सेटिंग किया था हाइड के लिए Ctrl+Alt+E, तो Ctrl+Alt+E मैंने प्रेस किया था। यहाँ देखिए अब ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा ये वीडियो किस स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड है, कहीं पे कुछ पता नहीं, कहीं पे कुछ लोगो नहीं है, ना ही कंपनी का नाम है, ना ही कोई आइकन, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में नहीं लग रहा है कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से अगर गौर से देखिएगा, एक यहाँ पे एक मतलब आइकन है जो कि बहुत ही ऐसे कलर में कि पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये जो है इसका मतलब हुआ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कैसे पता करेंगे, फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, कीबोर्ड बटन से Ctrl+Alt प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इसकी साइज़ छोटी होगी, मतलब ये स्टार्ट है। साइज बड़ी होगी तो मतलब ये अभी रुक गया, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। Ctrl+Z से हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया था, Ctrl+Z से ये चालू होता है, Ctrl+Z से बंद होता है, मतलब कि पॉज होता है और स्टार्ट होता है। ये बड़ा अभी देखिए यहाँ पे देखिए, अगर सही से अगर देखिएगा आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का यहाँ पे है जो कि वीडियो में आपको नहीं नज़र आएगा, मतलब कि बहुत कम नज़र आएगा। अगर गौर से देखिएगा तभी यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये बॉक्स जो ये बड़ा बॉक्स है, इसका मतलब कि वीडियो अभी पॉज है, वीडियो रुका हुआ है। अगर हम Ctrl+Z करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स जो है छोटा हो गया, इसका मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो में जो भी काम करना है आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा बॉक्स है। देखिए जो भी मैं करूँगा अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे रिकॉर्ड हो गए। अगर हम चाहते हैं इसको रोकने के लिए तो फिर से हम Ctrl+Z प्लेस करेंगे, तो ये जो बॉक्स है ये बड़ा हो जाएगा। देखते जी छोटा है अभी, Ctrl+Z प्लेस किए, इंटर किए तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वीडियो रुक चुका। अब ये शो तो नहीं कर रहा, ये हाइड किया था मैंने। अब फिर से इसको अनहाइड करने के लिए मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया था Ctrl+Alt+E, Ctrl+Alt+E दिए तो यहाँ पे आ गया है कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ वो दिया है। और यहाँ पे अगर चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके या आप लिख सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को स्टार्ट करके भी आप यहाँ पे, इस तरह वीडियो स्टार्ट है और यहाँ पेंसिल का बटन है, यहाँ पे आपको कुछ दिए जाते हैं, इससे आप लिख भी सकते हैं जो भी लिखना चाहें। यहाँ पे कलर है, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो। मान लीजिए कोई चीज़ को घेरना है, ठीक है, तो किसी चीज़ को आपको घेरना होगा तो यहाँ पे अगर बॉक्स से घेरना है तो इस तरह बॉक्स रहेगा, इस तरह बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह, ठीक है। बॉक्स से अगर किसी चीज़ को घेरना है तो इस तरह बॉक्स को घेर लेंगे, ठीक है। अगर कोई गोल घेरना है तो यहाँ पे गोल वाले भी दिया गया, गोल पे क्लिक करेंगे और इस तरह हम गोल भी एक घेर सकते हैं। अगर लाइन देना है तो जैसे लाइन देना है टेढ़ा सीधा, वो लाइन अपने हिसाब से दे सकते हैं। और अगर एराव देना है, तीर वगैरह देना है, तो आप यहाँ पर तीर वगैरह भी दे सकते हैं। इस तरह का तीर आप वीडियो में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कलर भी दिया जाएगा, कौन सा कलर, जैसे कि ये जो गोल है ये मोटा ज़्यादा, तो यहाँ पे इसको पतला भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पतला सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये जो पतला हो गया, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कलर है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं,
जो भी हम लिखना चाहे यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख दिया। उसी के साथ अगर हम चाहते हैं इसको हटाने के लिए, तो यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे तो ये वाला हटेगा। अगर हम सभी एक ही साथ हटाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सभी एक ही साथ हट गया। ये भी हटाएंगे तो इसके लिए भी हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप इसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप 10 मिनट से भी ज़्यादा, 20 मिनट से भी ज़्यादा, जितना मिनट का बनाना चाहे बना सकते हैं, आपका वीडियो नहीं रुकेगा। बल्कि आइसक्रीम रिकॉर्डर में मैंने आपको जो रिकॉर्ड करके ये वीडियो दे रहा हूँ, इसमें कई पार्ट मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें हर 5 मिनट के बाद वीडियो रुक जाता है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, इसलिए ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा, मैं अभी आपको इसको सेव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो यस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा वीडियो अब सेव होगा। ये देखिए ये वीडियो जो सेव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 100% ये कंप्लीट करेगा, ये देख लीजिए। इसके लिए इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑफलाइन ये सेव होता है, ये देखिए सेव हो रही है। ठीक है, मैंने जो अभी वीडियो बनाया वो भी आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग है, कहीं पे कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं है वीडियो का, इस तरह बड़ा इसको भी हाइड करना है मैंने सिखा दिया, इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा ये आपको सॉफ्टवेयर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 मिनट तक ही सेव लेता है, ये भी ऑटोमेटिक।